हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोई जॉब से रिलेटेड अपडेट नहीं देंगे। इसमें एक हम बात करने वाले हैं, एक स्कॉलरशिप आया है LIC की तरफ से। LIC के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये LIC का फुल फॉर्म होता है। और LIC के बारे में लगभग सभी लोग जानते ही हैं। तो LIC कंपनी ने एक स्कीम जारी किया है जिसका नाम है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2022-23 सेशन के लिए। इसमें एक्चुअली ये जो LIC कंपनी है, ये स्कीम के ज़रिए वैसे छात्र छात्राओं को मतलब स्कॉलरशिप देगी जो अपने आगे का पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति का मतलब जिनका घर का कंडीशन सही नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए उनके पास रुपया नहीं है, इस जिसकी वजह से उनका पढ़ाई स्टॉप है, तो उनके लिए ये जो LIC कंपनी है अपने ये स्कीम के मदद से, स्कीम के ज़रिए वो वैसे छात्र छात्राओं को रुपया प्रदान करेगी स्कॉलरशिप के तौर पे। इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसका कब से स्टार्टिंग डेट है, कब तक इसका फॉर्म भराएगा, और उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे कैसे भरना, सारा चीज़ इसमें बता देते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सारा चीज़ बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख सकते हैं जो दिया गया है डेट के बारे में, तो जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो चालू हो चुका है, डेट मेंशन नहीं है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 18/12/2022 यानी कि 18 दिसंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जिसको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकता है। आगे का हम लोग देख लेते हैं इसके लिए इसके तहत मिलने वाले लाभ। इसमें दिया गया है कि फर्स्ट में दिया गया है कि चयनित नियमित विद्यार्थियों को 20,000 प्रतिवर्ष की राशि प्रदान की जाएगी। ये पैसे उन्हें 3 किस्तों में दे होगी, मतलब कि ये जो रुपया जो मिलेगा स्कॉलरशिप वाला वो 20,000 रुपया मिलेगा जो कि 3 किस्त में मिलेगा। ये नहीं कि एक ही बार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, 3 बार में आपको 20,000 रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अलग प्रोसेस है, वो सब पता ना कैसे भेजेंगे कब का भेजेंगे, बट दिया गया है कि प्रतिवर्ष यानी कि आपको एक साल में 20,000 रुपया मिलेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, इसमें ये वाला दूसरा पॉइंट दिया गया है कि चयनित विशेष बालिका के लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि प्रदान की जाएगी, छात्रवृत्ति 3 किस्तों में दे होगी। मतलब बालिका के लिए इसमें मेंशन किया गया है कि उनको 10,000 रुपये मिलेगा, चयनित बालिका को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये मिलेगा छात्रवृत्ति के तौर पर, जो कि LIC कंपनी दे रही है अपने स्कीम के तहत। फिर आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें जो लाभ लेने के लिए क्या होना चाहिए, किनको लाभ मिलेगा, वो सारा चीज़ देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। इसमें दिया गया है कि इस योजना के तहत लाभ केवल भारत के अस्थाई निवासी छात्र छात्राओं को दी जाएगी, यानी कि अगर आप इंडिया के मूल निवासी हैं तो आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। दूसरा इसमें है कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार की वार्षिक 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जो कि आपको आय या 3 वर्ष बनवाया जाता है उसी में आपको आय बनवाना होगा, जिसमें आपकी जो क्या बोलते हैं जो वार्षिक आय होगी वो 2.5 लाख से कम रहना चाहिए। जो तीसरा है, इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और चौथा है, इस योजना के तहत लाभ केवल उन छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जो 12वीं के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। मतलब साफ साफ है कि जो लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, और 12th के बाद भी अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि BA BSc ग्रेजुएशन, जो भी BTech, जो भी आगे आपका पढ़ाई करना होगा 12th के बाद से, तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 10th पास हैं और 12th के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं तो इसके लिए नहीं मिलेगा। इसके लिए योग्यता यही है कि आपके पास मतलब आप 10th पास होने चाहिए, प्लस में 12th भी पास होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ये हो गया। इसमें आगे देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें एक एक चीज़ दिया गया है, फर्स्ट आधार कार्ड लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आय लगेगा, आय आप लोग बनवा सकते हैं ऑनलाइन भी, सब हो रहा है, सब ब्लॉक से ही बनवा सकते हैं। फिर निवास लगेगा, फिर बैंक खाता एक फ़ोटो लगेगा, फिर मोबाइल नंबर लगेगा, इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इस स्कॉलरशिप को, इस स्कॉलरशिप के लिए। फिर इसका
कैसे करना है इसके लिए आवेदन, सारा चीज़ दिया गया है। हम इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आप क्लिक करें, फॉर्म फिल वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे आप, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो आपको कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट योर स्टेट, यहाँ से आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको सेकंड में दिया गया सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पे है नाम दिया गया है, फर्स्ट नेम, फिर सर नेम, फादर्स नेम, ये सारा चीज़ भरना है। फिर इसमें मेल है कि फीमेल है, ये जेंडर चूज करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ है ये चूज करना है, फिर नेशनलिटी इंडियन है कि फॉरेन है, तो फॉरेन के लिए तो है नहीं, आप सभी लोग इंडियन है तो इंडियन पर सिलेक्ट करिएगा। फिर एड्रेस है, एड्रेस के लिए दो लाइन दिया गया है क्योंकि एड्रेस कोई कोई का लंबा होता है, तो एड्रेस दोनों में फिल कीजिएगा। फिर आपका हो गया, इसमें अगर आप एड्रेस एक में भी फिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही में स्टार है। अगर जिसका एड्रेस बड़ा है तो दोनों में फिल कीजिए, जिसका एड्रेस शॉर्ट है तो एक ही में फिल कर सकते हैं। फिर इसमें दिया गया सिटी, सिटी है, फिर आपका पिन कोड है, और यहाँ पे लैंडलाइन नंबर है, यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर फिल करिए, ईमेल आईडी डालिए, कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लीजिए कौन से कैटेगरी में आप आते हैं। फिर इसमें दिया गया एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पज, यहाँ पे ये फिल कीजिए। फिर टेंथ का डिटेल फिल कीजिए, कौन सा आपका बोर्ड था, कब पास आउट हुए थे, किस ईयर में, परसेंटेज कितना था आपका मार्क्स का। फिर ट्वेल्थ का भी डिटेल दिया गया है, ऐसे ही सारा चीज़ है, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच कौन सा, अकाउंट नंबर, आधार नंबर का फोटो, यहीं से ही सब करके बेसिक सी है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर इस चारों पे टिक कर देना है, ये वाले सॉरी तीनों पे टिक कर देना है, टिक करके यहाँ पे फाइनली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाइएगा, जिस तरह बताएं वैसे करते हैं। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लाइक नहीं कीजिएगा। थैंक यू।